है ना मजेदार. एक्चुअली वो लाइटिंग और वो रथ देख के ना मुझे मेरे बचपन की याद आई. क्या आपको भी याद आया होगा ना कुछ की हम बीच पर जाते थे तो ऐसे रथ होते हैं जहाँ पे छोटे बच्चों को बिठाया जाता है, छोटी सी राइड दी जाती है, या फिर मुंबई में या फिर किसी गांव में अभी भी कई कई जगहों पर ऐसे रथ होते हैं जहाँ पे छोटे बच्चों को बिठाया जाता है और छोटी सी राइड दी जाती है वहाँ की. अच्छा लगता है वहाँ. वैसे हमारे पापा का वाहन है मूषक, लेकिन कोई बात नहीं, ये रथ भी चल जाएगा. हमारे सोसाइटी के पापा आ गए हैं, उनका आगमन हो रहा है, तो क्यों ना उनका स्वागत मस्त ढोल ताशे के साथ किया जाए. लेट्स गो. अच्छा डांस कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग देयर टैलेंट अ चांस, देमसेल्व्स अ चांस. एंड गणेश उत्सव एक्चुअली इज नोन फॉर दिस. क्या आपको भी लाइक आर यू ऑल्सो गोइंग थ्रू द मेमोरी लेन वेर इन यू नो जब आप छोटे थे और ऐसे गणेश उत्सव में आप पार्ट लेते थे, स्टेज पर जाने का डर लगता था, देयर टू बी बटरफ्लाइज इन द स्टमक. या आई मीन इट्स सो मच फन दैट यू री लिव द डेज वेन यू आर यंग. एक्चुअली जब आप ऐसे छोटे छोटे बच्चों को डांस करते हुए देखते हो तो सो या दिस इज व्हाट ऑल गणेश फेस्टिवल इज ऑल अबाउट. मजा आया है ढोल बजाने में. आई होप आप लोगों को भी देख के मजा आ गया होगा. एंड या कोविड के दौरान बापा का ऐसे खुल के पूरे धूमधाम के साथ स्वागत नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार सब लोगों ने वो कमी पूरी कर दी है. इट वॉज अमेजिंग. जो माहौल होता है बापा आने के बाद वो अलग ही होता है. सैडली हमने बापा का विसर्जन कर दिया है, लेकिन इस प्रार्थना के साथ कि वो अगले साल जल्दी वापस आए, हमारी जिंदगी में खुशियां भर दे और हम उनका स्वागत और अच्छे से कर सके. एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले सो दैट यू डोंट मिस आउट द फन दैट वी हैव. राइट, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ उसी की तैयारी करने के लिए. See you all.